हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। 9 मई 2023 के एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। हम इकोनॉमिक टाइम्स कवर करते हैं, जैसे कि आपको पता है। तो इकोनॉमिक टाइम्स में हम अभी सिर्फ एडिटोरियल पेज कवर कर रहे हैं, और जैसे अगर आपको इसका कवरेज अच्छा लगता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन बताइए। मैं पूरा न्यूज़पेपर ऐसे क्रिस्प तरीके से कवर करने के लिए रेडी हूँ, बट उससे उसमें आपका भी इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि ये सब वीडियोस बनाने में थोड़ी मेहनत लगती है। अगर आपका इंटरेस्ट रहेगा तो मैं ज़रूर बनाना चाहूँगा। फिर भी आज कुल कुछ पांच आर्टिकल्स है सॉरी आज कुछ पांच आर्टिकल्स है हमारे पास कवर करने के लिए। पहला आर्टिकल, गॉन एयर विद द विंड। ये आर्टिकल जो गो एयर ने अभी अपना बैंक्रप्सी फाइल किया है उसको लेके है, कि भाई कैसे कैसे गो एयर ने अपने मतलब कैसे कैसे डिफरेंट एयरलाइंस आए चले गए। एयर इंडिया के बारे में बात किया, किंगफिशर के बारे में बात किया है, स्पाइस जेट के बारे में बात किया है, तो कई सारे एयरलाइंस के बारे में बात किया है। तो कैसे आए और चले गए, और कैसे इन्होंने अपना एक लॉस इनकर करके अपना कंपनी क्लोज कर दिया, और फिर कैसे स्ट्रगल कर रहा है एयरलाइन। तो ऐसा एक सिमिलर आर्टिकल हम पढ़ चुके हैं, बट फिर भी चलो इसे ऊपर से गो थ्रू कर लेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है, डज फेथ मेक यू लिव बेटर। ये जो आर्टिकल है ये इनफैक्ट जो हमारे जो इंडेक्स होते हैं ना, वो मतलब भाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंडेक्स, उसमें जैसे रिलीजियस बिलीफ कितना क्या मैटर करता है, और आपके पर्सनल लाइफ में भी रिलीजियस बिलीफ कितना मैटर करता है, इस बारे में ये आर्टिकल है। छोटा आर्टिकल है, देख लेंगे। टीबी और नॉट टीबी, मैं कहूँगा ये आज का सबसे अच्छा आर्टिकल है, जो कि टीबी के बारे में अच्छा कवरेज है। टीबी कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, और कैसे टीबी फैल रहा है, और उसके बाद इसने बोला है कि भाई मतलब गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिया है उसके बारे में। ये थोड़ा पॉलिटिकल आर्टिकल है, दिस इज़ हाउ डबल स्टैंडर्ड्स लुक लाइक। मैं पॉलिटिकल आर्टिकल्स को वैसे तो डील नहीं करूँगा, क्योंकि ये हमारे काम का तो होता है, बट ठीक है, जितना हद तक जानना है उतना हद तक ही जानेंगे, क्योंकि आइडियोलॉजीज़ के बारे में शेयर नहीं करेंगे आप, कि भाई किसको क्या पसंद है, किसको कोई पसंद हो सकता है, किसी को कोई। बट ये आर्टिकल में एक बार ऊपर ऊपर से अगर आपको समझा दूँ तो ये सिर्फ इसी चीज़ के ऊपर है कि द केरला स्टोरी, जो गर्ल्स किडनैपिंग एंड देन उन्हें फिर आईएस ज्वाइन करने के लिए कर दिया रहता था, तो इस्लामिक स्टेट ज्वाइन करने के लिए जो फोर्स किया जाता था या खुद ज्वाइन कर लेते थे, तो उसके ऊपर ही आर्टिकल है। इस आर्टिकल में ये चीज़ बोला गया है कि ममता बनर्जी जो चीफ मिनिस्टर है वेस्ट बंगाल के, उन्होंने जब ये बैन किया था, पद्मावत बैन किया था हमारे वेस्ट बंगाल में, सॉरी पद्मावत के बैन पे अपोज किया था, कि भाई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे धोखा है, ये है वो है। तो ऑथर ये कह रहे हैं कि ये तो डबल स्टैंडर्ड दिखता है जब आप खुद केरला स्टोरी बैन कर दियो, साइटिंग दैट कि वो हेट फैलाएगा, वायलेंस फैलाएगा। उस समय आपने ये चीज़ बोला और अभी आप फिर खुद ही बैन कर रहे हो, तो वही ऑथर कह रहा है कि ये डबल स्टैंडर्ड दिखाता है। कुछ तख्तों को लेके अगर आप अगर आप उस चीज़ को फेवर कर रहे हो तो देन दैट इज़ बैड, अदरवाइज ऑल्सो दिस शोज योर डबल स्टैंडर्ड, ऐसा ऑथर कह रहा है। लास्ट आर्टिकल, ये ONDC ब्रिंग्स होम मोर गुडीज। एक्चुअली ये आर्टिकल वही ONDC के ऊपर लेके हैं, इसको हम लोगों ने काफ़ी कवर तो किया था ONDC को लेके, ONDC क्या है क्या नहीं। ये आर्टिकल भी छोटा सा इसे भी कवर कर ले कर किया जा सकता है इंट्रोडक्शन में ही, कि आर्टिकल ये कहते हैं कि भाई जो ONDC नेटवर्क है ये काफ़ी डिसरप्शन लेके आएगा मार्केट में, जो पर्टिकुलर सेलर्स के पास जो चीज़ें कॉन्सेंट्रेटेड है उसे ख़त्म कर देगा। तो ऑथर कह रहे कि भाई इसे जो है बहुत ज़रूरी भी है कि जो पर्टिकुलर सेलर, जैसे मान लीजिए स्विगी हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, जोमेटो हो गया, ये सब से ONDC में। एक्चुअली एक एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूँ क्या हो सकता है, क्या डिसेप्शन कैसे लेके आ सकता है। सपोज़ मान लीजिए आपने ऑर्डर किया, आपने फ्लिपकार्ट के प्लेटफॉर्म में ऑर्डर किया, तो अब फ्लिपकार्ट का कोई सेलर आपको ला के वो माल छोड़ के जाएगा, जो भी आपने ऑर्डर किया, जो भी प्रोडक्ट आपने ऑर्डर किया। अब ONDC में क्या होगा, मान लीजिए आपने सपोज़ मान लीजिए आपने एक क्लासमेट का कॉपी ऑर्डर किया है, तो अगर क्लासमेट का कॉपी ऑर्डर किया है तो फ्लिपकार्ट के रजिस्टर्ड सेलर में ही आपका जो वो आएगा और उसी को ही आप ऑर्डर कर सकते हो। ऐसा मतलब कई सारे सेलर्स होते हैं, उनमें से आप किसी को भी ऑर्डर कर सकते हो। ONDC नेटवर्क में क्या है, एक पर्टिकुलर एक ये
डाल दिया जाएगा कि भाई रिक्वायरमेंट है कॉपीज का, तो आसपास के जितने भी वेंडर्स हैं जो कि ONDC में हैं उनके पास नोटिफिकेशन जाएगा और कोई एक फिर एक्सेप्ट करके आपको लाके दे देगा। तो इसमें ये है कि भाई कोई कॉन्सेंट्रेटेड नेटवर्क नहीं है और ONDC नेटवर्क गवर्नमेंट कंट्रोल प्लेटफॉर्म में ही है। तो इसीलिए गवर्नमेंट कंट्रोल भी नहीं बोलूँगा मैं, गवर्नमेंट रेगुलेटेड बोलूँगा, कंट्रोल किसी का नहीं है ONDC में। तो इसीलिए क्या होगा, ये जैसे UPI ने सारे मार्केट को डिसरप्ट कर दिया वैसे कहते हैं कोई ONDC भी डिसरप्ट कर देगा पूरा मार्केट। इसमें ऑथर कहते हैं कि थोड़ा कंसर्न ये रहेगा कि भाई कंज्यूमर प्रोटेक्शन कैसे होगा। मान लीजिए फ्लिपकार्ट में तो चलिए आप एक कंप्लेन डाल दो, रेजोल्यूशन रहेगा, उनका एक प्रॉपर मैकेनिज्म है, बट ONDC में थोड़ा इस चीज़ का प्रॉब्लम जा सकता है। तो ऑथर ये कह रहे हैं कि भाई अगर लोगों को भरोसा दिलाना है ONDC के ऊपर तो थोड़ा सा मार्केट को, मतलब थोड़ा सा सेलिंग को वो करना पड़ेगा, रेगुलेट करना पड़ेगा। फिर तो स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करिए। देखिए ये वीडियोस बनाने में थोड़े एफर्ट्स लगते हैं, तो आपके जो अगर ये सब चीज़ लाइक शेयर ये सब आएगा तो मोटिवेशन मिलेगा बनाने के लिए। अदरवाइज़ भी मैं आपको ये चीज़ बोला हूँ कि मैं अभी तो फ़िलहाल एडिटोरियल कवर कर रहा हूँ, बट बाद में बहुत ही अच्छे तरीके से मैं इकोनॉमिक टाइम्स भी कवर करूँगा क्रिस्प तरीके से, सो दैट आपको भी एक मॉर्निंग में मतलब एक अच्छा एक वो मिल जाए, एंड मतलब जिस्ट मिल जाए सारे न्यूज़ का। किसी के पास टाइम नहीं होता बॉस इतने न्यूज़पेपर को पढ़ना है, न्यूज़ के समझना, कई सारे टॉपिक्स होते हैं जो कि रेलेवेंट नहीं भी होते, तो मैं उसे थोड़ा स्किप भी करूँगा। जैसे मैंने कहा है कि पॉलिटिकल आर्टिकल सारे रेलेवेंट नहीं होते तो उन्हें भी स्किप कर सकते हैं एंड सो ऑन। तो गॉन एयर विद द विंड, इसमें ऑथर ये चीज़ बोल रहे कि भाई ये जो गो एयर है, गो फर्स्ट है, उन्होंने अपना NCLT में जो फाइलिंग किया है इंसॉल्वेंसी के लिए, उसमें उन्होंने 11,500 करोड़ का उनका डेट है, तो वो काफ़ी उन्होंने पे नहीं कर पा रहे तो उसे फाइल कर दिया। फिर ऑथर लेके जाते हैं हमारे 1960s 1970s में, वही टाटा वाला कहानी कि भाई टाटा में एयर इंडिया था तो बहुत अच्छा था, फिर जब गवर्नमेंट की तरफ आ गया तो फिर डेट बहुत माउंट हो गए, वो क्वालिटी चले गया एंड वगैरह वगैरह, मतलब ये तो सभी को पता है। फिर उसके बाद जेट एयरवेज का भी ये चीज़ कि जेट एयरवेज आपको पता होना चाहिए कि नरेश गोयल ने फाउंड किया था एंड ही वॉज हिमसेल्फ अ ट्रैवल एजेंट, तो उन्होंने ये कंपनी फाउंड किया था एंड देन वो फिर करते करते एक बहुत बड़ा अच्छा कंपनी निकला। एंड उसके बाद फिर थोड़े प्रॉब्लम्स आए, मतलब जेट एयरवेज तो ये खैर दूर की बात है, अब उसके बाद भी बहुत सारे एयरलाइंस निकले वो बंद हो गए, फिर जेट एयरवेज भी निकला, फिर धीरे धीरे गो एयर, किंगफिशर, स्पाइस जेट, ये सारे धीरे धीरे लिफ्ट अप होते गए और सर्वाइव आपको भी पता है आज के डेट में कौन ही कर रहा है। तो फिर इन्होंने ये चीज़ पहले तो भर भर के बुराई है कि भाई किंगफिशर अपने आप में थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट था, उन्होंने कहा कि भाई मैं किंगफिशर एयरलाइन बस चलो मेरे अगर खर्चे भी निकल, मतलब एज इन कि भाई मैं बियर के पैसे से एयरलाइन चला लूँगा मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इतना उन्होंने बोला कि भाई मेरा 55% मार्केट शेयर है किंगफिशर का तो क्या ही हो जाएगा मेरा, बट सबको पता है क्या हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई मैं एयर डेक्कन खरीदूँगा और एयर डेक्कन को रिनोवेट करूँगा, तो ऑथर कह रहे कि मैंने उससे पूछा भी कि भाई तुम एयर डेक्कन को बहुत ज़्यादा रिनोवेट करके तुम ज़्यादा हाई एक्सपेंस वो कर दोगे तो इंडियन कंज्यूमर्स नहीं लेंगे, तो कह रहे कि भाई मुझे ऐसे आई वॉन्ट टू मेक एयर डेकन सेक्सी एंड ही वॉज सो कॉन्फिडेंट दैट इवन इफ यू स्पेंड 500 एंड चार्ज कस्टमर 5,000 कस्टमर वुड बी विलिंग टू पे फॉर इट, बट इंडियन कंज्यूमर्स आर वेरी प्राइस सेंसिटिव, उन्हें जहाँ प्राइस मिलता है वो वहाँ जाते हैं एंड दैट इज़ ट्रू, ये सबने बोला एंड क्यों ना हो यार, मतलब बिकॉज इंडियंस हैव ब्रेन्स। तो ऐसा रहता है कि भाई प्राइस सेंसिटिव होने के कारण आप थोड़ा बहुत प्राइस अगर ऊपर रखते हो, जैसे किंगफिशर किस लिए नहीं चला, वो भाई एमिनिटीज़ दे रहे हो सब कुछ दे रहे हो, इंडिगो कुछ नहीं देता, तब लोग बोले कि भाई हमें कुछ नहीं चाहिए हमें प्राइस सस्ता कर दो बस। तो वैसे ही ऐसा है कि भाई किंगफिशर भी इसी कारण थोड़ा सा डूब गया और वही डेट माउंट होते गए एंड सब खत्म हो गया। फिर उन्होंने जेट एयरवेज का भी वही एग्जाम्पल दिया और फिर अब लास्ट में उन्होंने गो एयर का एग्जाम्पल दिया जो कि वाडिया फैमिलीज ने फाउंड किया था, तो उसमें भी ये चीज़ है कि भाई पहले तो अच्छा चला, फिर उसके बाद
धीरे धीरे करके वो भी उनका भी डेट माउंट होता गया एंड इवेंचुअली वो भी फिर अभी इंसॉल्वेंसी के लिए चले गया। तो ये चीज़ है कि भाई ऑथर ये कह रहे कि भाई एयरलाइन इंडस्ट्री काफ़ी सेंसिटिव इंडस्ट्री है एंड कई सारे प्लेयर्स आए, कई सारे प्लेयर गए, तो टिकना थोड़ा सा मुश्किल है एंड कई सारे बिलियनर्स को लगता है कि हम अपने एयरलाइंस खोल के रखें, बट थोड़ा सा मुश्किल है एयरलाइन में टिकना। फिर उसके बाद ये एक आर्टिकल पढ़ते टीबी और नॉट टीबी। एक्चुअली ये आर्टिकल टीबी के उसके ऊपर ट्यूबरक्लोसिस के ऊपर है। इस आर्टिकल में जनरली टीबी के बीमारी को हाईलाइट किया गया है कि भाई कैसे इतना सेंसिटिव है टीबी का बीमारी। ये कह रहे कि भाई जो जो टीबी का स्प्रेड है वो ज़्यादा डेवलपिंग कंट्रीज़ में, डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी आज के डेट में टीबी का स्प्रेड हो रहा है। और इनफैक्ट ये कहते हैं कि भाई ठीक है, अगर डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी ज़्यादा है तो डेवलप कंट्री को ये नहीं बोलना चाहिए कि भाई जब उनके टाइम में जब टीबी स्प्रेड होता था तो वो लोग कितना टीबी को सीरियसली लेते थे। फिर ऑथर कहते हैं कि भाई SDG के जो गोल्स है 2030 को, कि भाई टीबी को हटाना है 2030 तक, उस पर भी काफ़ी हम लैग कर रहे हैं। जो जो ग्लोबल शटडाउन्स हो गए थे उसने इशू को बढ़ा दिया। अगर आप देखोगे तो पिछले 1-2 साल में टीबी के जो मतलब कोविड के टाइम में टीबी के केसेस कम आ रहे थे, केसेस कम आ रहे थे। इसका ये मतलब नहीं कि लोगों का कम इन्फेक्शन हो रहा था, इसका ये मतलब है कि लोगों का डायग्नोसिस कम हो रहा था। तो उस कारण अक्सर कहते कि ये भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर डायग्नोसिस कम होगा तो वो लोग का या तो इंटरनली टीबी मल्टी रेजिस्टेंट बन जाएगा और मतलब वो और ख़तरनाक स्टेज पे चल जाएगा जहाँ पे वो ड्रग्स वगैरह को नहीं मतलब ड्रग्स वगैरह से भी ठीक नहीं होगा, ऐसा स्टेज में चल जाएगा, और या तो फिर वो और लोगों को फैलाएंगे। तो बोला दोनों ही चीज़ हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। फिर उसके बाद बोलते हैं कि जिनको टीबी होता है अगर वो अनट्रीटेड रहते हैं तो 50% ऑफ देम डाई, तो ये भी एक अच्छी बात नहीं है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई डेवलप कंट्रीज़ अपने आप में बहुत समझते कि चलो टीबी एक लोअर इनकम कंट्री की प्रॉब्लम है, बट उन्होंने भी ये चीज़ समझना चाहिए कि उनके यहाँ पर टीबी का प्रेविलेंस है। तो उनके यहाँ भी टीबी अच्छे तरीके से ही फैल रहा है, तो उसमें इन्हें थोड़ा ध्यान देना चाहिए। सॉरी दोस्तों, आई थिंक आवाज़ में कुछ इश्यूज़ आ रहे थे, मैं रिकॉर्ड कर रहा था तो आवाज़ नहीं आ रहा था। समहाउ मैंने लास्ट यही चीज़ समझाया था कि भाई ये आर्टिकल को मैं एक बार वापस से थोड़ा अभी कवर कर लेता हूँ जितना मैं कवर किया, बिकॉज़ आई एम नॉट श्योर आवाज़ कहाँ तक आया। तो ये आर्टिकल में बेसिकली ऑथर ये चीज़ बोल रहे हैं कि भाई टीबी और नॉट टीबी, ट्यूबरक्लोसिस के बीमारी के ऊपर है कि भाई आज के डेट में ट्यूबरक्लोसिस काफ़ी डेंजरस डिजीज़ है, और आज के डेट में भी नहीं, ये पहले भी डेंजरस डिजीज़ था। डेवलप कंट्रीज़ अब ये चीज़ भूल रहे हैं कि ये ट्यूबरक्लोसिस जो है ये डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए नहीं, उनके लिए भी बहुत ख़तरा था जब उनके कंट्री में पहले था। फिर वो कह रहे कि भाई हम SDGs जो हमने टारगेट किया 2030 का, उसमें ट्यूबरक्लोसिस पे हम काफ़ी पीछे कर रहे हैं और हम लोग इस चीज़ में ध्यान नहीं दे रहे। कोविड के टाइम में हम लोग को पता था कि भाई केसेस कम हो रहे, केसेस इसलिए कम नहीं हो रहे थे कि भाई लोगों को इन्फेक्शन कम हो रहा था, केसेस इसलिए कम हो रहे थे कि भाई लोगों का जो डायग्नोसिस है वो कम हो रहा था। फिर अगर ये ऐसे डायग्नोसिस नहीं हो पाता तो प्रॉब्लम क्या होता है, या तो दो प्रॉब्लम होते हैं, या तो अगर मान लीजिए आप ड्रग रेजिस्टेंट टीबी अगर आपको हो जाता है, अगर किसी को भी हो जाता है फॉर दैट मैटर, तो उसमें क्या होता है कि भाई आपके जो अच्छे अच्छे मेडिकेशन है वो काम नहीं आते, तो फिर डॉक्टर को या तो बहुत ही हाई मेडिकेशन देना पड़ता है जिससे बॉडी के ऑर्गन्स फेलियर भी हो सकते हैं या पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, और या तो फिर अगर मान लीजिए वो
ड्रग रेजिस्टेंट टीबी नहीं भी हुआ तो आप एटलीस्ट फैला भी सकते हो लोगों को, जिन लोगों को हो जाए। और 50% ऑफ द केसेस जहाँ पे टीबी फैल जाता है, जो अनट्रीटेड रहता है, वो उसमें डेथ हो जाता है। फिर ऑथर कहते हैं कि भाई डेवलप कंट्री भी ज़्यादा कोई वो नहीं, अच्छा नहीं है, 1 in 10 लोगों को तो हो ही जाता है टीबी भी, तो ऐसा है। फिर ऑथर कहती कि भाई जो टीबी के जो ट्रीटमेंट भी होते हैं ना, वो थोड़े डेंजरस होते हैं, एज इन कि आपको फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्रीटमेंट में थोड़ा मेडिकेशन जो दिया जाएगा तो साइड इफेक्ट्स आएगा, फिर उसके बाद स्किन रैशेज आएंगे, तो उससे क्या होगा, या वेट लॉस होगा, तो उससे क्या होता है, बहुत सारे पेशेंट प्री मेच्योरली डिसकंटिन्यू कर लेते हैं। और प्री मेच्योरली जब डिसकंटिन्यू कर लेते थे, फिर उसके बाद 18 से 20 मंथ्स, 18-20 मंथ्स बाद उनको वापस से वो बीमारी, मतलब यू नो, और बढ़ जाता है, तो वो और ज़्यादा एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट हो जाता है, तो डॉक्टर, और ये और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ट्रीटमेंट हो जाता है फॉर दैट मैटर। तो ऑथर ये कह रहे कि भाई ये भी एक इशू है, टीबी को जो है जितना जल्दी पॉसिबल डायग्नोसिस कर पाए उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर देखा जाए तो अगर हम 1 रुपया भी टीबी के उस पर स्पेंड करते हैं, तो $46 का हमें सोशल बेनिफिट होता है। ये इन्होंने कुछ ऐसा रेशियो करके निकाला कि भाई इतना अगर हम टीबी पे स्पेंड करते हैं तो हमारा इतना सेविंग हो जाएगा, और या इतना बेनिफिट रहेगा लोगों का, भाई लाइफ सेव होंगे, लोगों के एक प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो इन मतलब इन सब को कंसिडर करते हुए इन्होंने बोला कि भाई ऐसे ऐसे $1 स्पेंड करने से हमें $46 का प्रॉफिट हो जाता है। फिर इन्होंने कुछ ऑथर ने टीबी के बारे में भाई ग्लोबली क्या क्या इनिशिएटिव्स है उसके बारे में थोड़ा बहुत हाईलाइट किया कि भाई एक्चुअली ग्लोबल के क्या स्टडीज़ है उसके बारे में थोड़ा हाईलाइट किया कि यू नो 5 बिलियन जो है हमें एडिशनली खर्चा करना चाहिए, कि अगर मान लीजिए टीबी का हमें पूरा रोकना है। तो इनफैक्ट प्रॉब्लम ये है कि भाई 5 बिलियन तो खर्चा एक्स्ट्रा करने का छोड़ो, मतलब हम तो और कम करते जा रहे हैं, तो इससे से एक प्रॉब्लम है कि भाई टीबी का जो ट्रीटमेंट है वो अच्छे से नहीं होगा। फिर इंडिया में इन्होंने कुछ स्कीम्स के बारे में बताया कि भाई नेशनल हेल्थ मिशन में कैसे गवर्नमेंट ने नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम चालू किया है, उसमें मतलब कैसे उन्होंने लॉन्च किया सितंबर 2022 में, जो कि पूरे टीबी के यू नो टीबी को टीबी के बारे में अवेयरनेस फैलाता है, टीबी के बारे में असिस्टेंस देता है लोगों को कि कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे ट्रीट करना चाहिए, कैसे मतलब यू नो ओवरऑल बीमारी को कैसे हैंडल करना चाहिए, ऑब्वियसली मेडिकेशन वगैरह के साथ। तो यही चीज़ है कि भाई एक्स्ट्रा रिसोर्सेज वर्ल्ड को अपने लेवल पर और इंडिया को अपने लेवल पर थोड़ा डालना पड़ेगा, सो दैट टीबी थोड़े कंट्रोल में रहे, एंड ये बीमारी क्योंकि इतना खतरा है तो इसे और थोड़ा और ध्यान दिया जाए। फिर ये लास्ट आर्टिकल जो है हमारा बसता है, डज फेथ मेक यू लिव बेटर, ये काफ़ी वैसा आर्टिकल की कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंडेक्स को, या इसको हम अगर रिलीजियस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो कैसा है। देखिए इसमें तो पहले ये चीज़ बताया गया है कि भाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंडेक्स में क्या क्या चीज़ होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर एक कोई दो इंडिविजुअल है, एक के पास काफ़ी पैसा है एक के पास नहीं है, तो अगर मतलब थोड़ा कम है, तो अगर एक वो जो रिच इंडिविजुअल है वो सब कुछ खा पी रहा है बट उसके बॉडी में नहीं लग रहा क्योंकि उसमें बीमारी, और बी जो है वो थोड़ा बहुत भी खा पी रहा है तो उसके बॉडी में सब कुछ लग रहा है क्योंकि उसे वो एकदम हेल एंड हार्टी है। तो कह रहे कि भाई बी का लिविंग इंडेक्स सबसे अच्छा रहेगा, मतलब दोनों के कंपेरिजन में बी का लिविंग इंडेक्स अच्छा है। तो फिर वो कह रहे कि भाई इसलिए लिविंग इंडेक्स को कंपेयर करने के लिए सिर्फ पैसा नहीं, बहुत चीज़ मैटर करता है, जैसे कि हेल्थ, फैमिली लाइफ, वर्क एनवायरनमेंट एंड सोशल एंगेजमेंट। इसी हिसाब से उन्होंने रिलीजियस बिलीफ को भी वो किया है, कंपेयर किया है बाई रिलीजियस बिलीफ और लिविंग इंडेक्स का कैसे मैच कर सकता है, कैसे रिलेशनशिप है। पहले तो उन्होंने ये चीज़ बोला कि भाई रिलीजियोसिटी क्या होता है, कि भाई कितना फेथ है आप, कितना बिलीफ, मतलब कितना आप रिलीजन को अच्छे से मानते हो। और वो 3 रिलीजन में ऑथर कह रहे ज़्यादा है, इस्लाम, सिखिज़म एंड क्रिश्चियनिटी रिलेटिव टू हिंदुज़म। बिकॉज क्यों ये 3 रिलीजन में ज़्यादा है हिंदुज़म से, एक तो अटेंडेंस ऑफ प्लेस ऑफ वर्शिप, पार्टिसिपेशन रिलीजियस फेस्टिवल्स एंड अदर प्रैक्टिसेस उनका थोड़ा और स्ट्रॉन्ग रहता है, कि भाई आपको मान लीजिए से सपोज नमाज़ पढ़ना है तो आपको इस टाइम में पढ़ना पड़ेगा, आपको इस डायरेक्शन में पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको मतलब सिखिज्म देखो तो आप शायद हो सकता है उसे मतलब यू नो अपने बाल नहीं कटवा सकते हैं, ऑल दोज जो हमारे बिलीव्स रहते हैं। फिर उसके बाद इंडिविजुअल एज जो है रहता है वो काफ़ी मैटर करता है, कि भाई रिलीजियस एज पहले से ही वो लोग थोड़ा सा यू नो मानने लगते हैं। क्यों? क्योंकि
अब अगर आप देखिए जो सिखिज्म होते हैं उनमें बच्चों को भी बाल कटाना अलाउड नहीं है, तो भाई उनको एक स्टार्टिंग से बिलीफ आ जाता है कि भाई हमारे ये एक बिलीफ है कि भाई हम बाल नहीं कटवा सकते ऐसा। और फिर लास्ट में वुमेन इंक्लाइंड है मोर टुवर्ड्स इन दीज थ्री रिलीजन्स, वुमेन आर मोर इंक्लाइंड देन मैन बिकॉज उन्हें ये कि भाई डोमेस्टिक जो चीज़ें हैं वायलेंस में का फेस करना पड़ता है और इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी ज़्यादा लगता है। फिर उसके बाद ऑथर ये चीज़ कह रहे हैं कि भाई फिर ये कह रहे हैं कि रिलीजियसिटी जो है वो काफ़ी इनडायरेक्टली मतलब जो प्रपोर्शन रहता है वो काफ़ी रिवर्स उस पर रहता है कि भाई अगर मान लीजिए आपके रिलीजियसिटी बढ़ती जाती है तो आपके जो एफ्लुएंस है वो कम होता जाता है, एज एन आपका रिलीजन काफ़ी कम फेमस होता रहता है। बट अगर आप ये चीज़ों को सिंपल कर दो तो रिलीजन काफ़ी ज़्यादा फेमस होता रहता है। थोड़ी बहुत बातें हैं, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये क्यों ऐसे कह रहे हैं, मतलब एज एन कि भाई ये बस एक व्यू पॉइंट है, आप ये चीज़ समझ लीजिए, ये कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है। तो बस वही है कि भाई इससे SC ST वगैरह के साथ भी इसी चीज़ को कंपेयर किया गया है कि भाई कैसे वो लोग भी अपना रिलीजन को बनाते हैं या फॉलो करते हैं वगैरह वगैरह। और लास्ट में फिर वही चीज़ बोल रहे हैं कि भाई अगर हिंदुत्व कंट्री में मेंटेन करके रखना है या अगर पॉलिटिकल परस्यूट है हिंदुत्व का तो हारमोनी कैसे बनेगा इस रिलीजन के बीच में, वो भी एक देखना बाकी। मतलब ऑथर ने कुछ और ही उससे चालू किया, किसी और ही नोट पे एंड किया, बट एनीवे चलो देखना था हमारा काम, हमने देख लिया वो आर्टिकल। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, हैव अ नाइस डे।